गाइज आज के इस वीडियो में नियो बैंकिंग एप्स के रियलिटी के बारे में बात करेंगे एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो मैंने यहां पे तीन पॉपुलर नियो बैंकिंग एप्लीकेशन को कंसिडर किया है फाइव मनी जुपिटर एंड नियोक्स तीनों ही एप्स को मैंने यूज किया है पर्सनली तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है एंड क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूं तो पहला पॉइंट तो ये है कि नन ऑफ दीज एप्स आर ए बैंक फाइव मनी कोई बैंक नहीं है स कोई बैंक नहीं है जुपिटर कोई बैंक नहीं है इन अगर आप फाइव या जुपिटर में अगर आप साइन अप होते हो तो ये लोग आपसे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस लेते हैं एंड इस डिटेल्स को लेके ये लोग आपके लिए जो है फेडरल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देते हैं एंड इन द केस ऑफ न्योक्स सेम डिटेल्स आपसे मांगते हैं आधार पैन कार्ड फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड वो आपके लिए क्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देते हैं जो भी आपका पैसा है जो भी आपके ट्रांजेक्शन है ये सारा कुछ बैंक के एंड में प्रोसेस होता है सो बेसिकली इसमें होता यह है कि ये एक प्राइवेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपसे आपके प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए एक सेविंग्स अकाउंट खोल देते हैं अब आपको ये चीज सही लगता होगा कि यार चलो ठीक है क्या फर्क पड़ता है एन एवरीथिंग लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगता है कि अगर मुझे केवाई कहीं पर करना है क्योंकि पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज अ वेरी यू नो सेंसिटिव पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट एन इंडिविजुअल हैज इट इज नॉट समथिंग कि यार मतलब ये शादी का कार्ड नहीं है कि आप दुनिया भर में बांट रहे हो है ना इट हैज टू बी मेंटेन्ड विथ प्राइवेसी एंड सिक्रेसी तो अगर आप किसी बैंक में फॉर द पर्पज ऑफ केवासी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो इट इज बेस्ट टू सबमिट इट डायरेक्टली टू द बैंक इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग इट टू थर्ड पार्टी ऐप्स क्योंकि यहाँ पे फाई मनी जुपिटर न्यूयॉर्स ये सब थर्ड पार्टी ऐप्स है ना ये तो पहला चीज है अब लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइवेसी आई एम नॉट ओके विथ इट बट आपके लिए चलो ठीक है आपको लगता हुआ कि यार शादी का कार्ड की तरह जो है मैं आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दुनिया भर में बांटूंगा क्या फर्क पड़ता है तो आपके लिए अगर आपका ऐसा सोच है तो ठीक है बट फॉर मी इट इज ए कंसर्न ऑफ प्राइवेसी कि अगर मैं किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहा हूं अगर मुझे केवाईसी करना है तो इट्स बेस्ट कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करूं ना कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को उसके बाद जब भी आप साइन अप हो जाओगे इन द केस ऑफ फाइव मनी एंड जुपिटर आपका फेडरल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा न्यूयॉर्कस में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा सो वंस यू हैव द अकाउंट विद द बैंक द बैंक्स बेसिकली हैव एक्सेस टू और राधा द बैंक बेसिकली गिवस इट्स कस्टमर्स एक्सेस टू नेट बैंकिंग पोर्टल फेडरल बैंक एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है जिसके थ्रू आप यू नो मोबाइल फोन में जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर आप अपने अकाउंट uh, को जो है देख सकते हो मैनेज कर सकते हो है ना ये सारा कुछ आप कर सकते हो तो वट इज द पर्पज ऑफ हैविंग दिस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन एंड एंड ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दे डोन्ट जस्ट take your documents and then they handle it and then they open the account for you they also get access to your banking numbers iska matlab ye hai ki agar aapne fi money ya jupiter ya neox ke through agar aapne account open kiya hai तो आपके पैसे पैसे का लेनदेन, transaction, ट्रांजेक्शन सारा कुछ जो है बैंक के एंड पे हो रहा है लेकिन ये जो एप्लीकेशंस है इवन दीज गाइस हैव एक्सेस टू योर नंबर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइव मनी के थ्रू फेडरल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खोला है सो दैट सेविंग्स अकाउंट कैन बी मैनेज यूजिंग द नेट बैंकिंग ऑफ फेडरल बैंक यूजिंग द फेड मोबाइल ऐप फ्रॉम फेडरल बैंक एंड यूजिंग द फाइव मनी ऐप तो फाई मनी इज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सिमिलरली अगर जुपिटर के केस में अगर जुपिटर के थ्रू अगर आपने फेडरल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है तो वही सेम चीज है कि आप फेडरल बैंक के जो ऑफिशियल नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो या फिर आप जुपिटर ऐप के थ्रू कर सकते हो तो जुपिटर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सो आई एम नॉट ओके विद दिस कि जो मेरा बैंकिंग नंबर्स है जो मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इसके बारे में पता चले वो इसको कैटेगराइज करे कि मैंने ग्रोसरी पे कितना एक महीने में खर्चा कर लिया कितना मेरा फ्यूल का एक्सपेंसेस है, है ना बिकॉज आई एम ओके दैट जो मेरे बैंकिंग नंबर्स है इट शुड बी एक्सेबल टू द बैंक टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टू एनी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी अंडर द लॉ लेकिन नॉट टू एनी थर्ड पार्टी पीपल ये तो मतलब ये तो वही बात होगी ना यार मतलब शादी का कार्ड है हर जगह पर बट रहा है क्या प्रॉब्लम है अगर किसी को मिल भी गया ज्यादा से ज्यादा वो आएगा आके एक दो प्लेट खाना मेरा खा के जाएगा है ना कैटरिंग वाले को मेरे को थोड़े पैसे पे करना पड़ेगा बट इट्स ओके यार चलता है वॉट्स द बिग डील लेकिन यहाँ पे बिग डील है प्राइवेसी का अब अगेन आपको यू माइट बी एब्सोल्युटली ओके कि चलो ठीक है कि मैं कितना सैलरी कमाता हूं कितना मैं ईएमआई भरता हूं कब कब मैंने कौन से कौन से फ्यूल स्टेशन में मैंने पेट्रोल भरा है ग्रोसरी पे मैंने महीने में कितना खर्चा कर लिया तो ये सारा कुछ अगर इफ यू आर ओके कि हाँ पूरे दुनिया में सबको पता होना चाहिए इसके बारे में तो ठीक है इट्स फाइन लेकिन फ्रॉम फॉर मी आई एम नॉट ओके कि यार जो मेरे बैंकिंग नंबर्स है वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी अंडर द लॉ उसके अलावा किसी थर्ड पार्टी लोगों को जो है मेरे ट्रांजेक्शन एंड मेरी चीजों के बारे में पता रहे है ना तो आई एम नॉट ओके विथ इट इट्स ए इट्स अ कंसर्न ऑफ प्राइवेसी उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी ऑफ मनी ये जो न्यू बैंकिंग एप्लीकेशन है ये आपको बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बैंकिंग जैसे एसएमएस अलर्ट का पैसा नहीं देना डेबिट कार्ड फ्री है डेबिट कार्ड पे कोई आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना डेबिट कार्ड अगर गुम हो जाता है तो एक रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको ये फाई एंड जुपिटर में न्यूर्कस में तो खैर उनको फीस देना पड़ता है बट डेबिट कार्ड का इशू फ्री है एंड uh, इसमें कोई आपको एनुअल चार्ज भी नहीं देना पड़ता है ना तो ये सारा चीज जो है काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगता है कि यार यू you नो know, ये सब खर्चा जो है मतलब बुरा लगता है लाइक वेन यू गेट चार्ज विथ एटीन ट्वेंटी रुपीज हर तीन महीने में कि एसएमएस एस के लिए आपको ये पैसा कटाए तो देख के बैंक ट्रांजेक्शन में खराब लगता है डेढ़ सौ दो सौ रुपये डेबिट कार्ड का कट जाता है तो देख के वी फील लाइक लाइक यार ये क्या जरूरत था इसका एंड एवरीथिंग तो ये सब जो फीस एंड चार्जेस है वो बिल्कुल भी नहीं लगता ये जो न्यू बैंकिंग एप्लीकेशन है तो ये दिस इज देयर यू नो यूनिक सेलिंग पॉइंट तो जिसके लिए लाइक यू नो पीपल ओपन द अकाउंट एन एवरीथिंग बट एट एंड जो आपका पैसा है उसका क्या सेफ्टी है अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने के लिए जाओ तो आपको इंटरनेट पे इतने सारे शिकायत देखने को मिलेंगे कि दैट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस मैं आपको ट्विटर पे कुछ ट्वीट दिखा देता हूँ ये देखिए ये एक भाई साहब है जिनका फाइव मनी में अकाउंट था इनका कहना है कि 200 बार इन्होंने जो है कांटेक्ट uh, करने का कोशिश किया फाइव मनी को लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है इन्होंने कहा कह दिया कि यार इट इज़ एनी स्कैम फ्रॉम योर साइड एंड एवरीथिंग उसके बाद फिर यहाँ पे एक uh, भाई साहब है जिन्होंने कहा कि फाइव मनी स्कैमर है एंड uh, इन्होंने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट लगाया जहाँ पे फाइव मनी वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में आप कोई पैसा रिसीव नहीं कर सकते लेकिन आप अपने अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसे आप खर्च कर सकते हैं तो ये किस टाइप का क्या है लाइक ये तो लाइक इट इज इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये हो क्या रहा है एंड इट इज नॉट वन और टू कंप्लेंट्स आप स्क्रॉल करते जाओगे आपको दुनिया भर के कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगे एक यहाँ पे फेडरल बैंक एंड फाइव मनी के खिलाफ आर में किसी भाई साहब ने शिकायत भी कर रखा है ना सो द लिस्ट गोज ऑन आप देख सकते हो इट्स ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन यू कैन कम टू ट्विटर यू कैन सर्च एंड आप देख सकते हो कि क्या चलने लग रहा है मार्केट में तो अगर मैं कंक्लूशन की बात एंड ए कंक्लूशन से पहले सपोर्ट की मैं बात करू करता हूं क्योंकि क्या है कि ये जो नियो बैंकिंग एप्स है इसमें कोई ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट में मेरे पास एसबीआई uh, बी में यूनाइटेड uh, बैंक में कैनरा uh, बैंक में या एच बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में ये जो बड़े बड़े बैंक्स है इसमें अगर मैं पैसा रखता हूं तो मेरे को एक पीस ऑफ माइंड ये है कि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो आई कैन वॉक इन टू द ब्रांच ऑफ द बैंक मैं ब्रांच वालों के साथ बात कर सकता हूँ आई कैन अप्रोच द ब्रांच मैनेजर आई कैन आस्क हिम कि ये ट्रांजेक्शन में सो एंड सो इश्यू हो गया डेबिट कार्ड से पैसा कट गया यूपीआई से पैसा कट गया सामने वो पैसा क्रेडिट हुआ नहीं तो ये पैसा कब तक सेटल होगा या कब तक रिफंड आएगा है ना तो ये सारा कुछ जो ब्रांच एक्सेस है वो एक एश्योरेंस है वो एक पीस ऑफ माइंड है लेकिन ये चीज आपको ये न्यो बैंकिंग एप्स में नहीं मिलेगा सो यू आर बेसिकली एट द मर्सी ऑफ देयर कस्टमर सपोर्ट कि अगर उनको रिप्लाई करना होगा तो करेंगे कब करेंगे इसका कोई टाइमलाइन नहीं है है ना तो यहां पे मैंने एक चीज जो एक्सपीरियंस किया है कि जब जब चल रहा है तो ठीक है मतलब चाइना का माल जैसा होता है ना कि आपने खरीदा घर पे लाया चल रहा है दो साल तीन साल से चल रहा है कोई इशू नहीं है लेकिन जिस दिन बिगड़ गया उस दिन नोबडी हैज़ अ क्लू कि यार ये चीज़ कैसे सही होगा एंड एवरी तो मतलब ये चाइना का माल जैसा ही है इनका कस्टमर सपोर्ट लाइक अगर कुछ हो गया तो सपोर्ट के लिए मतलब रुकते रहो एक क्वेरी का बेसिक रिस्पॉन्स के लिए आठ से दस घंटा लग जाता है है ना तो आप समझ सकते हो कि हाउ पेनफुल द एक्सपीरियंस इज तो कस्टमर सपोर्ट भी एब्सोल्युटली रिडिकुलस है एंड uh, जो लोग कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो उतने नॉलेजेबल uh, भी नहीं है ठीक है कि अगर फेल ट्रांजेक्शन है तो उसका रिफंड का क्या टैट है एंड अगर ये ट्रांजेक्शन सेटल नहीं होता है तो ये रिफंड आएगा कि आ, क्या इसमें अगला स्टेप रहेगा तो मतलब ये सारा कुछ तो कुछ नहीं पता है उनको उनको कुछ बेसिक कॉपी एंड पेस्ट शायद ये है कि अगर कस्टमर का ये सवाल होगा तो यही आंसर आपको पेस्ट करना है तो इस टाइप से कॉपी पेस्ट वाले टेम्पलेट रिप्लाई आपको मिलेगा जब भी आप इनसे बात करोगे तो इस टाइप का इनका यू नो फैंटास्टिक वाला कस्टमर uh, सपोर्ट है तो इन शॉर्ट इन कंक्लूशन आपको मैं यही चीज एडवाइस कर सकता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस बाय यूजिंग दीज एप्स फॉर डे टू डे बैंकिंग एंड पेमेंट्स एक्टिविटीज कि ट्रस्टेबल uh, मुझे नहीं लगता प्राइवेसी इज अ बिग कंसर्न टू मी एंड पैसे का सेफ्टी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इनको कितना ट्रस्ट करता हूं तो ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता वाट इज द बेस्ट यूज ऑफ दिस एप्स तो बेस्ट यूज़ ये है कि कैशबैक के लिए यूज़ कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल फाई में जुपिटर में न्यूयॉर्कस में बोलते हैं कि यूपीआई से खर्चा करो तो कैशबैक मिल जाएगा कार्ड को यूज़ कर लो 500 के ट्रांजैक्शन में बीस रुपये कैशबैक ले लो तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जीरो बैलेंस मेंटेन करता हूँ देखता रहता हूँ कभी अगर कुछ ऑफर आया एंड उस टाइम अगर मेरे को कुछ खरीदना होता है एंड इफ दैट पर्टिकुलर कैशबैक इज ग्रेटर देन वाट आई वुड मेक बाई यूजिंग माई रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से ज्यादा अगर मेरे को कैशबैक मिल रहा है तो ही मैं रिस्क लेके उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं अगर मुझे ये ऑफर फाइव में आया है डेबिट कार्ड में तो मैं फाइव के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा फाइव के डेबिट कार्ड से वो ट्रांजेक्शन कर लूंगा कैशबैक ले लूंगा दैट्स इट एवरी इज हैप्पी तो इस तरीके से मैं यूज करता हूं सो यू कैन सी एट दी एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन अगर आपको ट्रस्टेबल लगता है आप यूज करो हु एम आई टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन लेकिन हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया है एंड अगर आपका कुछ इस टाइप का अगर एक्सपीरियंस uh, है या आपने अगर इसको यूज किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड फाइव जुपिटर न्यूयॉर्कस में अगर आपका कभी ट्रांजैक्शन फेल हुआ एंड अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आपने फेस किया है तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में एंड अगर आपका अकाउंट uh, अगर इन्होंने बंद कर दिया है यू नो बिना कोई रीजन दिए एंड यू नो फालतू के रीजन देखे कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन वायोलेट कर दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो वो भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताए एंड आई वुड लव टू गो थ्रू योर एक्सपीरियंस एज वेल है ना वीडियो अगर अच्छा लगा गाइज प्लीज गिव इट ए लाइक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड देट विलअल फॉर दिस वीडियो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ सो तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय